हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ए ग्रुप के बारे में। तो आइए चलिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप, जी एक ग्रुप है। देन द सेट जेड ऑफ ऑल सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट्स, तो जेड एक ऐसा सेट होगा जो कि सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट का सेट होगा ग्रुप जी का, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द ग्रुप जी। और ये सेट जो कि सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट का सेट होंगे उसे ही हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रुप जी। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, जेड से डिनोट किया जाता है सेंटर ऑफ ए ग्रुप को। तो जेड बिलोंग्स टू जी सच दैट जेड एक्स इक्वल टू एक्स जेड हो जाए। तो इस प्रकार के सेट को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ ए ग्रुप। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट के बारे में। तो वो सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट के बारे में जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने पाया था कि सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट किसी ग्रुप का जो होता है वो कम्यूट करता है विथ ईच अदर। मान के चले कि कोई ग्रुप जी है, उसका एलिमेंट ए बी सी डी इस प्रकार के हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसे मिल सकते हैं जैसे सी ए इक्वल टू ए सी हो जाए, ठीक है, या तो बी ए इक्वल टू ए बी हो जाए। तो ये जितने सारे सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट से जो हमें निकल के आया था कम्यूट वाला, जो जो कम्यूट करता है उसका हम एक सेट बना लेते हैं जहाँ पे कि वो बिलोंग करना चाहिए ग्रुप से, जी से। तो ये जो सेट कहलाएंगे जो कि कम्यूट कर रहे हैं उसी सेट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ ए ग्रुप। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।